बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए इतना जबरदस्त किस्म का वाइटनिंग स्क्रब बनाने जा रही हूँ जिसको यूज करने से आपकी स्किन उसी वक्त ग्लोइंग होगी, उसी वक्त व्हाइट दिखेगी। बहुत ही जबरदस्त टोटका है, आप इसको घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इससे स्क्रब करने से ना सिर्फ आपकी स्किन जो फेयर होगी, ग्लोइंग होगी, बल्कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हैं, स्किन दो टोन में है, तो उसका भी मसला हल हो जाएगा। इस वाइटनिंग स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहले आपने इधर लेना है एक जार ले लें और उसमें 1 टीस्पून आपने राइस फ्लावर को ऐड करना है, 1 टेबल स्पून आपने ग्लूपाटोन को ऐड करना है। अगर आपके पास ग्लूपाटोन नहीं है तो आप इसकी जगह फेयर एंड लवली को भी ऐड कर सकते हैं या कोई भी लोशन को ऐड कर सकते हैं। इतना आपने ऐड करना है जिससे हमारी ये जो मिक्सिंग है ना, मिक्स होके ये हमारा अच्छा सा कोई स्क्रब जो है तैयार हो जाए। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये स्क्रब तैयार होगा ना, आप यकीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसको आप स्क्रब भी बोल सकते हैं और वाइटनिंग फेस वॉश भी बोल सकते हैं। मेरे कहने पर एक बार बस इसको यूज़ करके देख लें, आप मजबूर हो जाएंगे बार बार यूज करने में। डेली एक बार इससे अपना चेहरा जो है मल के धो लिया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो चीज़ जाएगी वो है फेस वॉश। आप कोई भी फेस वॉश जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आप घर में यूज करती हैं, या फिर डव सोप को ऐड कर लें या फिर फेस वॉश को ऐड कर लें। इधर मैं पॉन्ड्स का फेस वॉश जो है ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई ब्यूटी सोप जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसको हमें इतना लेना है, अगर हमारा ये जो स्क्रब है हमारी स्किन के ऊपर एक टाइम में लगना है तो फिर हमने उतना ही फेस वॉश को ऐड करना है कि जो एक टाइम में हमारे चेहरे के ऊपर हम फेस वॉश जो है यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने इसको 2 से 3 दफ़ा लेना है तो फिर ये फेस वॉश भी आपने उतनी ही क्वांटिटी में डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा फेस वॉश लेके इसको कर लूँगी दोबारा मिक्स। ये हमारा वाइटनिंग फेस वॉश जो है बनकर रेडी हो चुका है। इसके रिजल्ट भी कमाल के हैं। आप जब इसको एक बार यूज़ करेंगे आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं इसको लाइव आपको करके दिखाती हूँ कि क्या कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। रख सकते हैं, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी स्क्रब की लेनी है इस तरीके से और अपने स्किन के ऊपर इसका स्क्रब करना है ऐसे। और साथ में पानी लगाते जाना है और साथ में स्क्रब करते जाना है। 1 मिनट में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। हाथों के नक्कल, चेहरे के ऊपर कालापान, मुंह के इर्द गिर्द जिधर भी आपके बहुत ज़्यादा कालापान है आप इसको उधर अप्लाई कीजिएगा। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी और लेना है और फिर साथ साथ मसाज करते जाना और साथ साथ इसको अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो साफ करते जाना है। एकदम से नहीं सारा धोना, पहले थिक लेयर में आपने इसको मसाज करना है और बाद में आपने फिर थोड़ा सा पानी लगाना है। साथ साथ वो साफ होता जाएगा, साथ साथ स्क्रब होता जाएगा। देखिए वो क्या कमाल के मेरे साथ मिल रहे हैं। 2 से 3 मिनट बाद आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ जब धो लेना है ना तो आपका जो चेहरा चांद की तरह खिल उठेगा। कमाल का रिजल्ट आया, देखें मेरी स्किन सॉफ्ट स्मूथ हो गई है, मेरी स्किन के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी शाइन आ गई है।